नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अपनी मांगों को लेकर बराड़ा के अधोया में बिजली कार्यालय के सामने बिजली कर्मचारी ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और रिस्क अलाउंस देने की मांग की गई है। इस दौरान कर्मचारियों को मुफ्त बिजली यूनिट देने और पुरानी लंबित मांगों को पूरा करने की भी मांग रखी गई है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि सरकार लंबित मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्ष तेज किया जाएगा। अगर फिर भी सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 31 जनवरी और 8 फरवरी को जिला स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं कर्मचारियों ने 22, 23 और 24 फरवरी को हड़ताल पर जाने की भी चेतावनी दी है। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। बराड़ा से हमारे संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है जी आपका? मैं राजकुमार सैला, अम्बाला कैंट यूनिट सचिव। आज केंद्रीय परिषद के आह्वान पर अधोया बिजली बोर्ड के प्रांगण में 9 से 11 दो घंटे का विरोध प्रदर्शन करते हुए निगम मैनेजमेंट और हरियाणा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। केंद्रीय परिषद के हमारे केंद्रीय परिषद ने कई बार मैनेजमेंट से और सरकार से केंद्र अपने कर्मचारियों की जायज और जरूरी मांगों के लिए बातचीत की, जिसको सरकार ने बातों को जरूरी मानकर भी लागू नहीं किया। इसी के विरोध में हमारी केंद्रीय परिषद ने 22 तारीख की 22 फरवरी की हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। उसी कड़ी में अपने विरोध को जारी करते हुए आज से विरोध प्रदर्शन पूरे उत्तर हरियाणा और दक्षिण हरियाणा में सभी सब डिविजनों में सुबह 9 से 11 का दो घंटे का धरना प्रदर्शन है। इसके बाद 28 तारीख को डिविजन लेवल पे और उसके बाद 8 फरवरी को सब डिविजन में और 17 फरवरी को हमारा हेड ऑफिस में ये धरना प्रदर्शन, पूरे दिन की स्ट्राइक हमारी वहाँ पे, उसके बाद 22 तारीख को चलेगी। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, जो कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने आने से पहले कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात की थी, पुरानी पेंशन को लागू करना है, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, क्लेरिकल स्टाफ का दुलाई भत्ता है और समान काम समान वेतन लागू करना, रिस्क अलाउंस कर्मचारियों को देना, कोरोना काल में जो हमारे 70 से ज़्यादा कर्मचारी शहीद हुए हैं उनको कोरोना योद्धा का दर्जा देकर उनका जो 50 लाख का हरियाणा सरकार ने बीमा किया था वो प्रदान करना, एक्स ग्रेसिया पॉलिसी है जो कर्मचारियों पे लागू तो किया है लेकिन टूटी फूटी वो एक सिस्टम से लागू की है जिसका फायदा बहुत कम ही कर्मचारियों को मिल रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, लगभग 42 मांगों का एजेंडा है जो हमारी केंद्रीय परिषद ने सरकार और निगम मैनेजमेंट के समक्ष रखा है। और 22 तारीख को जो स्ट्राइक है, अगर इसके बाद भी सरकार कर्मचारियों की बात को नहीं मानती, हमारे नेताओं को बुलाकर बात नहीं करती, केंद्रीय परिषद हमारी जो भी फैसला लेगी, अगर हमें ये स्ट्राइक लगातार जारी रखनी पड़ेगी तो उसको भी जारी रखेंगे। अभी जो हमारा धरना प्रदर्शन या ये स्ट्राइक है, अभी ये शांतिप्रिय ढंग से चलेगी। अगर सरकार ने बात नहीं की तो ये लगातार हमारी स्ट्राइक कितनी भी लंबी जा सकती है और अगर पूरा हरियाणा डार्क जोन में इसको हमने बदलना पड़ा तो कर्मचारी पीछे नहीं हटेंगे। जो भी केंद्र हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।